Hello, good afternoon to everybody. So this lecture was especially designed for the PGTU students, as they think that there are so many confusion in Organon of Medicine that has to be clear out so that they can understand well. So there are many aspects. So far as I can say that vital force, susceptibility, and there are several aspects like why the minimum dose in homeopathy is required and what is the diathesis, what are the miasms. They are confused, and that is why they have asked me to clear out some doubts. So today I am going to focus over a few aspects of homeopathy which usually get confused, that what is to be said and what is not to be replied if they are asked for that those things. तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी चीजें हैं होम्योपैथी में जो ज्यादातर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज रखते हैं. जैसे मुझे अच्छी तरह याद है कि कुछ स्टूडेंट्स को जब ये पूछा जाता है कि बताइए आपको डिल्यूजन, हेलुसिनेशन या इल्यूजन, इसमें क्या फर्क नजर आता है, तो सभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं. उनको समझ में नहीं आता कि डिल्यूजन में क्या बोलना है, इल्यूजन में क्या बोलना है, हेलुसिनेशन में क्या बोलना है. ये इनके समझ से बाहर की चीज हो जाती है, और नतीजा होता है कि जो एग्जामिनर्स रहते हैं वो सेटिस्फाइड नहीं होते. तो आज मैं चाहता हूं कि उन बिंदुओं को पहले ये क्लियर कर दूं कि क्या डिल्यूजन होता है, क्या हेलुसिनेशन होता है, क्या इल्यूजन होता है. तो सबसे पहले हम बहुत क्लियर कट शब्दों में बात करेंगे हेलुसिनेशन की. हेलुसिनेशन एक मेंटल स्टेट है जहां पर कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये मेंटल स्टेट अल्टर्ड रहता है, ये नॉर्मल मेंटल स्टेट नहीं रहता है. अल्टर्ड स्टेट का मतलब ये हुआ कि ऐसा महसूस होता है कि या तो ये अल्टर्ड स्टेट दो वजह से हो सकती है, या तो डिजीज की वजह से हो सकती है या ड्रग इंड्यूस्ड हो सकती है. ड्रग इंड्यूस्ड का कहने का मतलब कि कई लोग, जैसे आप समझते हो कि अल्कोहलिक होते हैं, बहुत ज्यादा ड्रंकन पर्सन हो सकता है, कोई ओपियम लिया हुआ हो, कोई कैनाबिस इंडिका लिया हो, भांग खाया हो, धोखा खाया हो, तो आप खुद इमेजिन करिए कि जो आदमी एक इंटॉक्सिकेटेड होता है या कोई ड्रग लेता है या कोई सिक कंडीशन में वैसा कंडीशन होता है तो उनको क्या समझ में आता है. तो हेलुसिनेशन वास्तव में एक ऐसी मन स्थिति या मानसिक स्थिति है जहां पर कि वेन देयर इज नो एनी such object but they are seeing those object without having those in a real sense. जैसे कई बार आप लोग देखते हैं कि जो hallucination होता है उसमें कई बार movie वगैरह में भी हम लोग देखते हैं कि कोई खड़ा है और hallucination में उसको लगता है कोई है, वहां कोई है, वहां कोई बैठा है, वहां कोई खड़ा है. ये जो feeling है ये altered state of mind है, और इसी को हम hallucination कह सकते हैं. आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब कोई ड्रंक किया हुआ आदमी हो और वो हवा में हाथ पैर मारे जा रहा हो कि जैसे कोई पर्सन है उसको मार रहा है, तो ऐसे स्टेट को हम लोग हेलुसिनेशन कहते हैं, जहां पर कि वास्तव में जो माइंड का स्टेट है या तो सिक कंडीशन है या अल्टर्ड स्टेट है, इधर ड्यू टू डिजीज और ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन और बाय द यूज ऑफ ड्रग्स. ये है हेलुसिनेशन. उसके बाद आते हैं हम, ये हेलुसिनेशन की एक और बात बता दें, ये हेलुसिनेशन जो होता है वो सभी हमारे जो सेंसेज है उस पर इसका इफेक्ट होता है. जैसे हमारे विजन पे हो सकता है, जैसे हमारे ऑल्फैक्टरी नर्व पे हो सकता है, जैसे हमारे ऑडिटरी नर्व पे हो सकता है, हमारा टच में हो सकता है. तो जैसे हम लोगों के यहाँ अधिकतर है कि कोई मुझे छू दिया ऐसा एहसास हो, ये भी एक हेलुसिनेशन है कि उसको हेलुसिनेशन में ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी ने मुझे छू दिया. या कई लोग हेलुसिनेशन में, जैसा कि मैंने कहा, हेलुसिनेशन में क्या है, ऑब्जेक्ट रहता नहीं लेकिन महसूस करता है. जैसे एक पेशेंट है जो देखता है पूरे बेड पे चीटियां भरी हुई, जबकि आप आते देखते नहीं कोई चीटी नहीं, तो ऐसा ये क्या है, ये भी एक हेलुसिनेशन है, जो कि हम प्लम्बर मेटालिकम में इसको देख सकते हैं.
जैसे कोई कहता है कि रात में कमरे में जाता है पूरे चारों तरफ चूहे दौड़ रहे, तो वो भी हेलुसिनेशन है, वास्तव में चूहे नहीं है लेकिन उसको ऐसा प्रतीत होता है। तो ये एक डिजीज कंडीशन है, ये एक सिक कंडीशन है जहां पर इस तरह का हेलुसिनेशन होता है। एल्यूजन एक ऐसा चीज है जिसमें ज्यादातर विजुअल एल्यूजन होता है, ज्यादातर ये क्या होता है, दृष्टि का एल्यूजन होता है। और इस इल्यूजन को अगर हम साफ सुथरे शब्दों में कहें तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि इल्यूजन क्या है। इल्यूजन एक क्रिएटेड भी हो सकता है, जैसे कि बहुत तरह तरह का मिरर लगा के इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। एक छोटा कमरा, कम कमरा है, उसको हम बड़ा दिखाने के लिए मिरर लगा देते हैं। मल्टीपल मिरर लगा करके भी हम इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, या रिफ्रेक्शन ऑफ द लाइट, उससे भी हम इल्यूजन क्रिएट करते हैं। इल्यूजन में क्या होता है, इल्यूजन ऐसे तो अदर हमारे सेंसरी ऑर्गन पे भी वर्क करता है, लेकिन ज्यादातर अगर हम इल्यूजन की बात कहें तो ये ज्यादातर हमारा विजन से रिलेटेड होता है। जैसे इल्यूजन का सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है जब हम जादू देखते हैं, एक मैजिशियन आपके सामने क्या करता है, इल्यूजन क्रिएट करता है, वो तरह तरह की चीजें दिखाता है और आपको ऐसा प्रतीत होने लगता है कि हाँ ये वो चीज है। तो ये क्या है, इल्यूजन है। और ये इल्यूजन कैसे क्रिएट करता है, विद द हेल्प ऑफ लाइट्स एंड रिफ्लेक्शन से वो इल्यूजन करता है। इल्यूजन का मतलब ये है कि जो वास्तव में कुछ नहीं है और फिर भी हम उसको फील कर रहे हैं। कैसे फील करते हैं, जैसे इसका बहुत अच्छा इल्यूजन का एग्जांपल हो सकता है जो हम मूवी देखते हैं, कि मूवी देखते हैं और हम उसके एकदम इमोशन में हमारे आंख से आंसू भी निकलने लग जाते हैं, हम उसको जब फाइट्स करता है तो हम उसके लिए फाइट्स भी करने लग जाते हैं। सारा क्या है, जबकि वहां रियल कुछ भी नहीं है, सब कुछ पर्दे पे स्क्रीन पे चल रहा है, हमें सब मालूम है, लेकिन उस इल्यूजन में हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये भी एक इल्यूजन है। एक इल्यूजन सबसे और अच्छा उदाहरण हो सकता है जो हम सपने देखते हैं, वो भी एक इल्यूजन है, क्योंकि सपने में कुछ भी सच नहीं, सब कुछ अवास्तविक है। तो ये इल्यूजन समटाइम्स हो सकता है सिक कंडीशन में हो, लेकिन ज्यादातर ये इल्यूजन हम लोग नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में देख सकते हैं। जैसे मिराज, मिराज के बारे में मालूम है आपको, मिराज क्या होता है, रेगिस्तान में जो मृग तृष्णा जिसको कहते हैं, कि जहां पे पानी नहीं है, दूर दूर तक पानी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन वहां पे पानी दिखाई देता है। व्हाई दिस इज हैपनिंग, ड्यू टू रिफ्रेक्शंस ऑफ द लाइट्स। ये लाइट्स की वजह से इस तरह का मृग मृष्का दिखाई देता है, जबकि वहां पर कुछ नहीं। ये भी एक इल्यूजन है। ये कौन सा इल्यूजन है, नेचुरल इल्यूजन है। एक है क्रिएटेड इल्यूजन। क्रिएटेड इल्यूजन कौन सा है, जो मैजिशियन लोग करते हैं, जानबूझ के वैसा क्रिएट करता है। जैसे मुझे अच्छी तरह याद है कि साइंस में एक बार बात हुई थी कि एक जो जादूगर है, एक लड़की जो स्टेज पे आती है और रंगीन कपड़े पहने रहती है, ग्रीन, और उस ग्रीन रंगीन कपड़े हुए उस ग्रीन वाले स्टेज पे जब आती है तो उसके ऊपर अगर एक नीली और एक रेड लाइट फोकस होके पड़ती, जानते हैं मैजिशियन का बहुत राउंड राउंड करके बहुत तेज लाइट पड़ता है, अगर उस पर दोनों इकट्ठा पड़े तो ग्रीन ड्रेस वाली लड़की डिसअपीयर हो जाती है, और जैसे उसको ऑफ किया जाएगा तो तुरंत खड़ी हो जाएगी। यानी कि हमें ऐसा इल्यूजन होता है, ऐसा भ्रम होता है कि वो है वो नहीं है। ये सारे एग्जाम्पल्स आपके इल्यूजन के हैं। तो इल्यूजन हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इल्यूजन एक वो कंडीशन है जहां पर कि बेसिकली विजुअल जो हमारा आंख का है वही इन्वॉल्व होता है, और इसमें तरह तरह के भ्रम वाली चीज हमें दिखाई देते हैं, लेकिन वो वहां पर रहता है, हमें दिखाई दूसरा देता है। वहां पर रेत है, रेत में रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट आ रही है, लेकिन लाइट की वजह से हमें वहां पानी दिखाई दे रहा है, वास्तव में वो चमक रहा है कुछ पानी की तरह। इसी तरह से हम कोई भी आकृति उभरते हुए हवा में भी देख सकते हैं, जो कि वास्तव में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। इसी तरह से जब कोई चीज है और उसको भ्रम में पड़ के, जैसे रस्सी को सांप समझ लेना या बहुत बड़े ट्री को एक मॉन्स्टर समझ लेना, ये सारा क्या है, इल्यूजन। क्योंकि जादूगर भी कुछ दिखाता है लेकिन उस कुछ को आपको भ्रम में डाल के कुछ और चीज को शो करता है और आप वैसा अनुभव करते हैं कि हाँ ऐसा है। तो इल्यूजन एक वही कंडीशन है जिसमें वास्तव में मेंटल स्टेट ज्यादातर हेल्दी रहता है, सिक कंडीशन में नहीं होता है। सिक कंडीशन में हो सकता है, लेकिन इल्यूजन जो है हम हमेशा ही हेल्दी कंडीशन में भी इसको परसेप्ट कर सकते हैं, विद नेचुरल इल्यूजन भी देख सकते हैं, क्रिएटेड इल्यूजन भी देख सकते हैं, और जो इल्यूजन वगैरह सब देखते हैं सारा इल्यूजन है। एक और बात आती है, तो आखिर डिल्यूजन क्या है, अगर इल्यूजन ये है
हलुसिनेशन ये है तो आपकी डेल्यूजन क्या है। तो डेल्यूजन के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है, डेल्यूजन ज्यादातर हम ये मान सकते हैं कि ये एक हेल्दी स्टेट है, लेकिन इसको एक अटूट विश्वास नहीं है, फिर भी वो उसको वही चीज मानता है। जैसे हमारा और आपका भगवान पर आस्था होना, हम दोनों लोग कोई नहीं जानते कि भगवान एग्जिस्ट करता है। अगर साइंटिस्ट कितना भी अगर ये बता दे कि नहीं भगवान नहीं है, देखो ये है इसमें भगवान की कहीं रोल नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी आस्था है, हमारे फर्म बिलीफ है कि भगवान है तो है। ऐसे चीजों पर यकीन करना या कई चीजों का एबनॉर्मल सेंसेशन का फील करना खुद पेशेंट को, कि जैसे कोई जिंदा चीज पेट में चल रहा है, जैसे एक एनिमल है पेट में घूम रहा है, जबकि वास्तव में नहीं है, ये सारे क्या है, डेल्यूजन। डेल्यूजन और क्या हो सकता है, डेल्यूजन ये हो सकता है कि बहुत रिच आदमी, लेकिन वो रिच आदमी होने के बावजूद भी वो अपने आप को गरीब समझता है। हम सभी जान रहे हैं कि वो बहुत रिच है, लेकिन उसका डेल्यूजन है कि वो अपने को गरीब समझता है, जैसे किसीपिया में ऐसा होता है। लेकिन ऑन द कंट्ररी दूसरा अगर हम देखें कि वास्तव में हम जानते हैं वो गरीब है, लेकिन वो अपने आप को बहुत रिच समझता है, लाइक सल्कर, लाइक प्लेटिना, लाइक नक्सुभौमिका। तो ये सारा जो है ये इनका विश्वास है, उसको आप प्रूफ भी करेंगे तब भी वो कहेंगे नहीं मैं अमीर हूं तो हूं। एक कहेगा नहीं मेरे पास सब कुछ है, आप देखेंगे उसके पास धन दौलत सब चीज है, अफराध कैसा है, फिर भी वो अपने आप को गरीब समझता है। तो ये सारे क्या है, डेल्यूजन। डेल्यूजन कैसा होता है कि वास्तव में वैसा प्रूफ करने के बाद, आपके एविडेंस शो करने के बावजूद भी वो यही यकीन करता है कि नहीं जो मेरा विश्वास है वही सत्य है और वही सत्य रहेगा। तो ऐसा डेल्यूजन हमें कभी कभी सिख कंडीशन में भी देखने को मिलता है, बहुत सारे डेल्यूजन है, आप देखेंगे तो रिपर्टरी में सारा डेल्यूजन भरा पड़ा है डेल्यूजन। हालांकि हमारे रिपर्टरी में डेल्यूजन में एल्यूजन और हेलुसिनेशन भी मिक्स है, इसीलिए लोगों को कंफ्यूजन होता है। लेकिन डेल्यूजन में यही होता है कि उनको पूरी पूरी विश्वास होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए कि हाँ, डेल्यूजन का मतलब कि जो वास्तव में नहीं है और उस पर हम फर्म विश्वास कर रहे हैं, एकदम ट्रू विश्वास है और उसी को हम मान लेते हैं, यहां तक कि कोई भी एविडेंस शो करे तब भी वो यकीन उसका चेंज नहीं हो सकता है, ये आपका डेल्यूजन। इसी के साथ एक और टर्म को एक्सप्लेन कर देना उचित हो जाएगा कि अभी तक हमने देखा कि एक हलुसिनेशन देखा, एक इल्यूजन देखा और एक डेल्यूजन देखा। यहां पर कहीं भी एक्शन की बात नहीं, कोई आदमी कोई एक्टिव नहीं है, कोई एक्शन नहीं कर रहा है। लेकिन वहीं पर अगर साथ ही साथ अगर हम डेलिरियम की भी बात कर ले तो बहुत ही अच्छा हो। डेलिरियम वो कंडीशन है जो कि एक टेम्पररी फेज आता है और वो मेंटल एक्साइटमेंट होता है, और वो मेंटल एक्साइटमेंट डिजीज की वजह से हो सकता है, जैसे हाई फीवर में हो सकता है, बहुत हाई ग्रेड के फीवर में ये डेलिरियम हो सकता है। इस डेलिरियम में आप तरह तरह के एक्शन देख सकते हैं, जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बैक्टीरिया का, कि बैक्टीरिया का क्या समझता है कि उसका हेड और बॉडी सेपरेटेड है और उसको वो इकट्ठा नहीं कर पा रहा और वो रात नहीं सो पा। साथ ही साथ बैक्टीरिया ये भी देखता है, क्योंकि बैक्टीरिया में जानते हैं टाइफाइड का जो सेकेंड स्टेज है वहां पे डेलिरियम में चला जाता है, तब वो देखता है क्या है कि मेरा जो बॉडी है वो तीन पार्ट में है। अब उसको रजाई से कवर करने के लिए कभी इधर करता है, लगता है कि एक आदमी इधर बाहर चला जाए, जबकि है एक पर्सन, लेकिन उसको क्या है वो समझता है कि मैं तीन पर्सन हूं और तीनों को कवर करना है एक रजाई के अंदर, इसलिए वो रात भर नहीं सो पाता। इसी तरह से वो हो सकता है डेलिरियम में तरह तरह का लैंग्वेज बोलने लगे, हो सकता है जो लैंग्वेज नहीं बोलता हो वो भी वो बोलने लगे। तो ऐसा इसमें होता है और इसका हमेशा एक्शन रहता है, जैसे कुछ लोग लगता है कि उड़ता हुआ मक्खी पकड़ रहे हैं तो चिड़िया पकड़ रहे हैं, जबकि वहां कुछ होता नहीं। ये सारा क्या है, डेलिरियम का पार्ट है। तो डेलिरियम एक सिक कंडीशन है जो कि टेम्पररी मेंटल एक्साइटमेंट होता है, इट मे बी ड्यू टू हाई फीवर और सम अदर थिंग एल्स। सो टुडे आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन हेलुसिनेशन, इल्यूजन एंड डेलिरियम, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द डेलिरियम, द सिक कंडीशन।